दोस्तों आज हम इस मॉडल की बात करने वाले हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, बहुत बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है और थोड़ा बेहतरीन सा प्लान होने वाला है। यहाँ पर इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर एक लो बजट और एक बेहतरीन सा प्लान दीजिए। तो उन्हीं के कहने पर इस मॉडल को मैंने बनाया है और इसका मैं कॉस्ट भी आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्लान को कितने रुपए में बनवा सकते हैं। तो बने स्टूडियो में लगातार मैं हूँ झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। आज हम बात करेंगे इस बेहतरीन से प्लान का कि इसमें क्या क्या बना हुआ है, कितने बेडरूम हैं, किचन कहाँ है, डोर वगैरह सारा डिटेल बताएंगे आपको। सिर्फ आज वीडियो को पूरा दिखिएगा, मैं इसे जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो इसका जो ग्रिल का डिज़ाइन है, रेलिंग का, वो भी आपको थोड़ा यूनिक देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने राउंड शेप में ऊपर आपको पिलर बनाए हैं और एक छोटा सा बारंदा भी देखने को मिलेगा आपको बेहतरीन सा, और विंडो का डिज़ाइन वगैरह सब देखने को मिलेगा। तो आज हम दोस्तों इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मैं आपसे गुजारिश लगातार करता रहता हूं कि आप हमें सपोर्ट करते रहें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप लोगों के लिए नए नए वीडियो डालते रहें। आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, आपको सब्सक्राइब एक बटन दिखता है लाल कलर का, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और बेल आइकन आएगा उस पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, जिससे मैं आपको लगातार नए नए वीडियो देता रहूं, नए नए अपडेट देता रहूं। तो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिएगा मैक्सिमम जूम पर एक बड़ा सा विंडो यहाँ पर दिया है मैंने। इसका देखिए दो पिलर हैं, इसे बारंदा, ये ग्रिल भी मैंने यहाँ पर दिए कॉर्नर पर, ये स्टेयर्स जिससे आप ऊपर जाएंगे। बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है ओवरऑल। अब जैसे आप टॉप व्यू में आपको दिखाना चाहूँ तो ये टॉप मतलब ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा पूरा मॉडल, देखिएगा। और मेन डोर ये है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे और ये मेन डोर के जस्ट बगल में एक मैंने डिजाइन और वेंटिलेशन दोनों के लिए एक छोटा सा विंडो टाइप का दिया। इसके जैसे अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये गेस्ट रूम मिलता है, इसके लिए डोर मैंने यहाँ से दिए। यहाँ से एंट्री करके आप गेस्ट रूम में आएंगे। और ये दोस्तों एक लेट बाथ दिया है, हालांकि मैंने इसका जो गेट दिया है वो इधर से दिया। अगर आप इसे अटैच करना चाहते हैं अपने गेस्ट रूम में तो आप यहाँ से अटैच कर, मतलब इधर से दरवाज़ा दे सकते हैं। इस लेट बाथ को आप यहाँ अटैच भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने दो लेट बाथ बनाए हैं। और ये आपका किचन एरिया देख सकते हैं, ये किचन एरिया आप इस डोर को यहाँ लगाएं या इधर भी लगा सकते हैं। ये आपका डाइनिंग हॉल है, इधर से ये आपकी स्टेयर्स है, ऐसे चढ़कर ऐसा चले जाएंगे तो ये आपकी स्टेयर्स है। ये एक कॉर्नर पर आपको और बेडरूम देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सा लेट इन बाथ आपको देखने को मिलता है लगभग 12 फीट का। आप इसे भी अलग कर सकते हैं, ये मैंने सेपरेट बनाया है लेट बाथ अलग, ये आप कंबाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा देखो, दो बेडरूम देखने को मिलते हैं, दो लेट बाथ, बड़ा सा किचन, ये बारंदा और ये स्टेयर्स जिसमें लॉन बना है। आप देख सकते हैं बारंदे का डिज़ाइन, ये जो किचन मैंने बनाया थोड़ा पीछे से हटकर बनाया है। और ये पूरा ग्राउंड फ्लोर आप देखिएगा, दो पिलर बारंदा और ये दोस्तों पीओपी का डिज़ाइन बना हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ जैसा कि आपको बीम टाइप का दिख रहा होगा, हालांकि बीम नहीं पीओपी का डिज़ाइन है। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर बना है। अब बात करते हैं इसके साइज़ की, तो 28x36 28x36 फीट में बना है दोस्तों ये पूरा मॉडल, लगभग आपका 900 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स में है। और ये पूरा मॉडल अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में बनवाते हैं जैसा बना है ऐसा, तो आप लगभग 7 लाख रुपए में आप इस घर को कंप्लीट कर पाएंगे, इसमें जिसमें कि आपका ये डेकोरेशन वगैरह इंक्लूड नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर करना चाहूँगा। बात करते हैं इसके लास्ट फ्लोर की, तो ये इसका लास्ट फ्लोर है जिसमें 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल आपका बना हुआ है और ये चारों तरफ 3.5 फीट का बाउंड्री वॉल। और ये ग्रिल थोड़ा सा हटके बना दिया, यहाँ पर मैंने राउंड शेप में पिलर बना दिए, इसमें थोड़ा एक अलग आपका यूनिक लुक देखने को मिलने लगे। तो ये पूरा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। मैं इसका कॉस्ट भी बताऊंगा, तो मैंने आपको इसका कॉस्ट बताया, आप उतने रुपए में आसानी से इस घर को तैयार कर सकते हैं और स्ट्रक्चर। हालांकि फिनिशिंग की बात आती है तो पैसा ज़्यादा लगता है घर में। आप मैंने 7 लाख बताया ना, आप अगर इसमें 7 करोड़ रुपए लगाना चाहेंगे तो वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है क्योंकि घर में कोई लिमिटेशन नहीं है आप कितना पैसा खर्च कर दे। तो लेकिन एक मामूली सा जो अप्रॉक्सीमेट मैं बजट देता हूँ, ये आपको 7 लाख के आसपास ये मकान बनकर रेडी हो जाएगा, स्ट्रक्चर पूरा आपका छत तक, और इसमें प्लास्टर वगैरह भी हो जाएगा। और बात करते हैं कलर पुट्टी की, तो ये आपको अलग से कराना होगा। तो ये पूरा मॉडल था आज का 28x36 फीट में और 7 लाख में अप्रॉक्स में। वीडियो आपको कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें आप प्रोत्साहन ज़रूर दिया करें, इससे हम आपको लगातार अपडेट वीडियो देते रहें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया,
आप इस मॉडल का अगर 2D प्लान चाहते हैं ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या मैंने एक वेबसाइट भी शुरू कर दी है smallhouseplan.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।